निषाद पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद साहब इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निषाद साहब, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है, संत कबीर नगर से आपकी बेटी प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार की योजना है और क्या क्या डिमांड्स अब रहेंगी? देखिए, हमारे एक वो हमारे अनुवांशिक पुत्र हैं, लेकिन वो भाजपा के भी पुत्र हैं। भाजपा के सिंबल से हैं और भाजपा के सिंबल से 2000 जो है वो 19 में भी थे। अभी निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है, कार्यकर्ता खड़ा बड़ा किए हैं और सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी योगी जी ने उसी तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, निषाद राज ने सेना दे के रावण राज खत्म किया था, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के एक बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया। हम लोगों ने 39 पार्टियों में निषाद पार्टी को बुलाया गया था और हम लोगों ने वादा किया है, एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी ने वादा किया कि हम विश्व अर्थव्यवस्था में हम 5वें से 3रे पर आएंगे और जो हमारी जनकल्याणकारी नीतियां हैं वो धरातल पर ले जाएंगे, भारत को फिर विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे में जो वादा किया हम लोगों ने मोदी जी को जिताकर प्रधानमंत्री बनाने का, उसमें किसी भी सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। जिससे पानी बोतल में भरा हो, लेकिन बोतल में अगर हम तार डालते बिजली नहीं जलेगा, उसे हमें टर्बाइन में डालना पड़ेगा। तो कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा बड़ा करते हैं, कार्यकर्ता समाज को वोट डलवाते हैं, तो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा टोपी नारा उठाए, चूंकि हमारा समुदाय कांग्रेस में 70 साल से था, फिर सपा बसपा में था, फिर उन्हें हमने जय निषाद राज के नारे, निषाद राज के किले पर टोपी झंडे नारे और विचारधारा पर मैंने उनको लाया। अब अगर निषाद पार्टी से सिंबल पर चुनाव निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी तो कार्यकर्ता प्रवीण जी के नाम पर तो वोट मांगेंगे नहीं, हम भी मंच पे क्या कहेंगे? समाज, हम तो खुश हैं, परिवार खुश है, लेकिन समाज और कार्यकर्ता खुश रहेंगे तभी निषाद पार्टी का वो मतलब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा के मोदी जी को अपने 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये सारे हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं इसमें निषाद पार्टी खड़ी और बड़ी है, वहां भी है। तो निषाद पार्टी को एक सिंबल चाहिए और वो कहीं भी दे दें, हम नहीं चाहते हैं। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अन्य पार्टियों को सिंबल अलाट हुए हैं, तो पेपर में है, अब कमेंट आना शुरू हो गया फेसबुक व्हाट्सएप पर कि निषाद पार्टी गायब हो गई, भाजपा विलय हो गई, खत्म हो गई, खा गई, क्या जवाब होगा? विपक्ष को मुद्दा मिला तो जो हम तो 2022 में 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई लिया था और 9 सीटें जीत दिया, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1600-2300 वोट से हारे हैं। तो ऐसे में हम हार वाली सीट को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं। हमने 10 सीटें अपने सिंबल पर लड़ा था, 5 भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 6 निषाद पार्टी के, 11 विधायक हैं। तो हम हार को जीत में बदलते हैं, तो जो हारी हुई सीटें हैं तो उसी तरीके से मिल जाए तो निषाद पार्टी उसे जीत में बदलने के लिए तैयार है। तो हम उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट में, वो गार्जियन स्वरूप है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई, और हम लोग जीत के लिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट कैसे जीता जाए, उसके लिए मछुआ समुदाय के लगभग 18% आबादी है। तो उम्मीद रखते हैं कि जो सोशल मीडिया पेपर में छप रहा है कि सभी को RLD को मिला और सबको मिल गया है, जिसका प्रभुत्व 8 जिलों में है, किसी का 15 जिलों में, किसी का 25 जिलों में, निषाद समुदाय केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमर रेकवार भाथम, ये तो है, ये सभी 75 जिलों में है, हर ब्लाकों में संगठन है और दूसरे प्रदेशों में है। तो हमने अभी इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा था पिछले 2018 में, तो हमने इस बार भाजपा को समर्थन कर दिया। देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। मैं चाहता हूँ ऐतिहासिक जीत, 400 पार NDA सरकार हो, इसलिए कार्यकर्ता नाराज है, समाज नाराज है, इस नाराजगी को हमारा काम है, उनका हम एक संदेश वाहक हैं, हम उनके वकील हैं, तो हम उनकी आवाज को माने मोदी जी योगी जी तक पहुंचाए और उनको एक सिंबल पर कहीं भी, क्योंकि प्रवीण निषाद को जिस जगह वो लड़ रहे हैं, 2019 में आए थे, सपा बसपा एक हो गई थी, वहाँ टेक्निकल बहुत कम वोटों से था वो, वहाँ जो वोट का जो समीकरण है वो है, अगर हमें मालूम होता कि एक ही सीट जीते, पहले भी हमेशा बैठक होने के बाद होता था, तो
तो आज के दिन में जहां निषाद पार्टी का निषाद अभी और तमाम है, गाजीपुर है, आपका भदोही है, सुल्तानपुर है, हमारा बहराइच है, हमारे पास मैनपुरी है, आपके पास इधर सहारनपुर है, संभल, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें कहीं भी यहाँ कश्यप हैं, कश्यप भी निषाद है, धीवर और तुरहा कश्यप का हार धीवर, ये सारे लोग जो है ये निषाद है। पहले पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में कानून बनाते जो मछली मारे वही मछुआरा है, लेकिन माननीय योगी को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को, उन्होंने सदन में पारित कर दिया हमारे कैबिनेट में कि नहीं केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर अखबार माथम तुरहा ये सब मछुआरे हैं, उनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, मुख्यमंत्री संपदा योजना की स्थापना हो गई, निषाद राज बोट स्थापना हो गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है, फ्री में बीमा है और तब तो ये सारी चीजों को हमने नीतियां बना के दी है, क्योंकि मेरे समुदाय का एक डिमांड है कि वो मोदी जी को जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, ये हम लोगों ने वादा किया है, तो उसके लिए इनके लिए निषाद पार्टी को एक सिंबल से इनको कहीं भी लड़ा दें, ये भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अपने समाज की आवाज पहुंचाना मेरा काम है।